जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, घर, गाड़ी, बंगला। और हाँ, अगर जिंदगी में आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने कभी नहीं पाया, तो उसे पाने के लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने कभी नहीं किया। ध्यान से सुनिएगा, आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस फ्लैट में हम खड़े हैं, इसे सिर्फ 1,00,000 रुपए देके आप अपना बना सकते हैं, जिसमें आपको लिफ्ट भी मिलती है, पार्किंग भी मिलता है, और इसकी प्रॉपर रजिस्ट्री आप जनकपुरी रजिस्ट्रार ऑफिस में करवा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन फ्लैट मेट्रो स्टेशन के पास ही आपको मिल जाता है। अगर आपको जानना है कि कैसे सिर्फ 1,00,000 में ये फ्लैट आप ले सकते हैं, तो वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये फ्लैट आपके सपनों को पूरा कर सकता है, जब आपके पास डाउन पेमेंट नहीं है तब भी। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार, स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। घर से ही मिलेगा ही, आपने बिल्कुल थंबनेल में सही पढ़ा है। सिर्फ 1,00,000 देकर आप इस फ्लैट को ले सकते हैं। कैसे, पहले मैं आपको ये बताता हूं कि इसमें आपको क्या क्या मिलती है। लिफ्ट है, पार्किंग है, मेट्रो स्टेशन के पास है, उत्तम नगर दिल्ली में ये फ्लैट आता है। इसकी जो लोकेशन है, मोहन गार्डन है, जो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है। एक खूबसूरत सा, एक प्यारा सा ये 2 BHK का फ्लैट है, जिसका यूजेबल एरिया आपको 55 गज मिल जाता है। और बात रही 1,00,000 देने के बाद भी आप इसे कैसे ले सकते हैं, बता रहा हूँ। अगर आपके लोन की एलिजिबिलिटी अच्छी है, आपकी सैलरी ठीक है, तो 1,00,000 देने के बाद रेस्ट जो पेमेंट्स है वो हम लोग आपको लोन करवा देंगे। तो देर बिल्कुल नहीं कीजिए और इस फ्लैट को आप पूरा देखिए, उसके बाद आप समझ पाएंगे कि इतने सस्ते प्राइस में और सिर्फ 1,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देने के बाद भी अगर कोई फ्लैट दे सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ सानवी रियल एस्टेट। तो चलिए देखते हैं, जब आप अपने घर में आएंगे तो किस रोड से आएंगे। देखिए, ये सामने जो आपको रोड दिख रही है, साफ सुथरी और चौड़ी सड़क आपको मिल जाती है। इसी रोड से आप अपनी कार से, आप अपनी बाइक से अपने घर में आएंगे, और जहाँ पे आप पार्किंग करेंगे वो पूरा पार्किंग आपको इस तरह से मिलता है। साथ में बिल्डिंग की एलिवेशन भी दिखाता हूँ, क्योंकि जब गेस्ट आते हैं, आप आते हैं, सबसे पहले जो नज़र पड़ती है वो बिल्डिंग पर पड़ती है। इस तरह का जो बिल्डिंग की एलिवेशन है वो आपको मिल जाती है। अब हम लोग चल लेते हैं फ्लैट के अंदर और देख लेते हैं पूरा फ्लैट। इनफैक्ट मैं फ्लैट के अंदर ही था, बाहर का आपको व्यू दिखा रहा था, अब मैं डिटेल आपको दे देता हूँ। देखिए, यहाँ से हम अपने फ्लैट में एंट्री लेंगे। हमेशा मैं आपको लेआउट समझाता हूँ, और लेआउट देखने से पहले, समझने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके सपनों का घर कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, सानवी रियल एस्टेट के पास। और हाँ, शॉर्ट वीडियो देखने के लिए आप हमें फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए लेआउट की बात करते हैं। यहाँ से हम लोग ने एंट्री ली, जैसे हम एंट्री लेंगे तो ये बड़ा सा आपको ड्राइंग रूम मिलेगा, 2 BHK के फ्लैट में, बहुत ही खूबसूरत सा। इस तरफ आपको एक बेडरूम मिल जाएगा, यहाँ हम लोग ने मॉड्यूलर किचन दिया है, और जो सेकेंड बेडरूम मिलता है वो आपको यहाँ मिल जाता है। चलिए ड्राइंग रूम देख लेते हैं, क्योंकि आप या आपके गेस्ट सबसे ज्यादा जो टाइम है वो ड्राइंग रूम में ही स्पेंड करते हैं। यहाँ पे इस तरह का सोफा लगाया गया है, हालांकि हम लोग ने बड़े साइज का सोफा लगा दिया है, अगर आप स्लिक डिजाइन का सोफा लगाएंगे तो और भी आपको स्पेस दिखेगा। और इस तरह का सोफा लगाने के बाद, 2 पफी लगाने के बाद, यहाँ पे 7 आदमी बहुत आराम से बैठ सकते हैं। कॉफी टेबल हम लोग ने बीच में लगाया है, और एक बार आप पूरा स्पेस दिखाइए पीछे जाके। पूरी फ्लोरिंग मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, इस तरह की पूरी फ्लोरिंग आपको मिलती है, जो वेट्रीफाइड टाइल्स की है, डिजिटल टाइल्स की है। और जब आप यहाँ पे बैठेंगे, आपके पीछे जो दीवार मिल रही है वो भी देखिए कितनी खूबसूरत सी। यहाँ पे हम लोग ने प्रोफाइल लाइट यूज किया है, कुशनिंग का काम किया गया है, लोअर्स यूज किए गए हैं, जो रोज गोल्ड स्ट्रिप्स है उसका हम लोग ने यहाँ पे काम किया है। और इसके साथ जो एक दीवार बच जाती है उसे भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। देखिए यहाँ पे इसके ठीक ऊपर आपको स्प्लिट एसी की जो वायरिंग है वो भी हम करके दे रहे हैं आपको, बाहर से करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और साथ में जो फॉल सीलिंग की डिजाइन मिलती है
ऑसम। इस तरह से फॉल सीलिंग के डिजाइन मिलती है। देखिए झूमर कितना प्यारा सा, कितना बड़ा सा झूमर लगाया गया है, दो फैन लगा के दे रहे हैं और साथ में इसमें आपको प्रोफाइल लाइट भी मिलती है और कॉब लाइट एलईडी लाइट्स भी मिल रही है। और जब आप यहाँ पे बैठे हैं टीवी देखने का मन होगा तो हम लोग टीवी पैनल लगा के दे रहे हैं, आपको दीवार पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ प्रॉपर वुडन का काम करके दे रहे हैं, यहाँ आपका टीवी आ जाएगा। नीचे दो बॉक्स हम लोग ने दिए हैं और उसी के ऊपर भी दो ओपन कैबिनेट्स यहाँ पे आपको मिल रहे हैं। आप चाहें तो कुछ सजाने के लिए यहाँ पे रख सकते हैं, कोई शो पीस आप रख सकते हैं। तो इस तरह का पूरा जो डिज़ाइन है वो टीवी लगाने के लिए हम लोग ने दिया है। चलिए बात कर लेते हैं अपने किचन की। किचन का एक बार पूरा स्पेस दिखाइए गौतम, फिर मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ। नीचे से ऊपर तक पूरा स्पेस दिखाइए। जैसे ही हम किचन में आते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रिज के स्पेस की। यहाँ देखिए अलग से फ्रिज का स्पेस दिया गया है। जितना बड़ा भी फ्रिज आप यूज करते हैं बहुत आराम से यहाँ पे लगा सकते हैं। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ आपको मिल जाता है स्टोरेज के लिए जगह। इसी के ठीक साथ में इलेक्ट्रॉनिक चिमनी भी हम लोग लगा के दे रहे हैं और यहाँ भी आपको देखिए इस तरह के स्पेस मिलते हैं। अंदर भी माइक का यूज किया है, बाहर भी हम लोगों ने माइक का यूज किया है। यहाँ भी आपको जगह मिल जाता है और इस तरफ भी ये स्पेस मिलते हैं। यहाँ आप अपना आरओ या गीजर रख सकते हैं। एक बार नीचे दिखाइए, देखिए ये ओपन कैबिनेट्स भी मिल रहे हैं। जो किचन में जो चीजें ऐसी है जिसे आप डेली यूज करते हैं, ज्यादा उसको यूज करते हैं, यहाँ पर रख सकते हैं। यहाँ भी देखिए स्पेस आपको मिल रहा है। और साथ में ये जो काउंटर है, जिस तरह का पत्थर हम लोग ने यूज किया है, कटिंग चॉपिंग भी करेंगे इसपे, स्क्रैच नहीं आएगा, स्क्रैचलेस है। बात कर लेते हैं इस तरफ, यहाँ एक ट्रे आपको मिल जाता है जिसमें फ्रूट वेजिटेबल कुछ क्लीन करके रख सकते हैं। साउंड प्रूफ यहाँ पे सिंक लगाया गया है। साइज दिखाइए, इतने बड़े साइज का आपको यहाँ सिंक मिलता है। तीन टैप्स लगाए गए हैं, हॉट वाटर, कोल्ड वाटर और दिल्ली जल बोर्ड का जो सप्लाई का पानी आता है उसके लिए अलग अलग यहाँ पे हम लोग टैप्स लगा के दे रहे हैं। दो तरह का आपको पानी मिलता है, एक समरसेबल का पानी मिलता है जो 24 आवर अवेलेबल है और एक आपको दिल्ली जल बोर्ड का पानी मिल जाता है जिसकी एक पर्टिकुलर टाइमिंग है। अभी हम आपको किचन में कुछ और भी चीज़ दिखाएंगे। यहाँ देखिए ये बड़े बड़े आपको कैबिनेट्स मिल रहे हैं ताकि नीचे भी आप अपना सामान स्टोर कर सकें। देखिए यहाँ प्लेट के लिए अलग से स्लॉट्स बना के दिया गया है, कटलरी वेयर के लिए यहाँ अलग से बास्केट दिए गए हैं जिसमें स्मॉल यूटेंसिल्स आपके आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ भी आपको स्पेस मिल रहा है। देखिए बड़े कंटेनर के लिए यहाँ आप बड़े कंटेनर रख सकते हैं और यहाँ जगह मिलता है। ये पानी का यहाँ पे एग्जिट पॉइंट है, आप चाहें तो खाली सिलेंडर रख सकते हैं और सिलेंडर से मैं बता दूँ गैस की पाइपलाइन ऑलरेडी आ चुकी है, आप चाहें तो गैस कनेक्शन भी ले सकते हैं। और किचन में हाफ वॉल हम लोग ने टाइल्स भी लिया है, यहाँ तक टाइल्स लगा दिया गया है। इसलिए हम लोग ने लगाया, जनरली हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं तो हाथ में कुछ लगा हुआ है तो टाइल्स पे बहुत आसानी से पोछा जा सकता है, तो इसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो लंबी होती है। अब इसके ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह से देखिए सीलिंग की डिज़ाइन हम लोग ने इसमें भी बनाया है जिसमें कॉब लाइट, एलईडी लाइट्स, प्रोफाइल लाइट, फैंसी लाइट्स, सारी चीज़ें लगा के दे रहे हैं। अब इसके साथ में जो आपको बेडरूम मिल रहा है वहां हम लोग चल लेते हैं। देखिए बड़ा सा स्पेस, किंग साइज का यहाँ पे बेड लगाया गया है, आप साइज भी देख पा रहे होंगे। अगर आपको इसका लेआउट चाहिए आप अपना नंबर व्हाट्सएप कीजिए, आपको लेआउट भेज दिया जाएगा। इसका जो बैक वॉल है, अगेन यहाँ पे कुशनिंग का काम किया गया है जिसमें रोज गोल्ड स्ट्रिप्स भी हम लोग ने यूज किए हैं। और साथ में दोनों तरफ इस तरफ भी दिखाइए, यहाँ प्रोफाइल लाइट आपको मिलता है, वुडन का यहाँ डिज़ाइन दिया गया है और दूसरी तरफ भी आपको एक ब्यूटीफुल डिज़ाइन मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं वेंटिलेशन की। देखिए कितनी बड़ी सी आपको यहाँ से विंडो मिल रही है। इसमें हम लोग ने आयरन ग्रिल भी लगाया है, कांच के पल्ले दिए गए हैं, ऊपर आप अपना विंडो एसी रख सकते हैं। और इसी के साथ पहले मैं आपको दिखाता हूँ अटैच वॉशरूम और फिर आपको दिखाऊंगा जो बैल्कनी मिलता है वो। देखिए ये हमारा वॉशरूम है, ऊपर पहले दिखाइए गीजर के पॉइंट से यहाँ मिलते हैं और साथ में वेंटिलेशन के लिए यहाँ आपको विंडो मिल जाता है। उसके बाद ये सीट आपको लगाया गया है, यहाँ आपको मिल जाता है जो वॉश बेसिन है वो। और बाथिंग एरिया आप इस तरफ दिखाइए, यहाँ आपको बाथिंग एरिया मिलता है। ये पूरा देखिए इस तरह का पूरा स्पेस मिलता है, ऊपर आपको शावर भी मिल जाते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने बैल्कनी में। यहाँ से मैं आपको बैल्कनी दिखाता हूँ, एक बार दिखाइए आप बैल्कनी।
बैल्कनी देख ली है। अब चलते हैं और देख लेते हैं जो अपना सेकेंड बेडरूम है वो। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सपनों का घर, चाहे वो 1 BHK हो, 2 BHK हो, 3 BHK हो, 4 BHK हो, जर से मकान हो, जो भी चीज आप लेना चाहते हैं, अपने सपनों का घर आप लेना चाहते हैं, अपना घर लेने का सपना पूरा करना चाहते हैं, वो इसी चैनल पे पूरा हो जाएगा। फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सब्सक्राइब माफ कीजिएगा सब्सक्राइब नहीं फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। चलिए इस बेडरूम की हम बात कर लेते हैं। यहाँ जो हम लोग ने बेडरूम बनाया है उसमें भी आप देख पा रहे होंगे कि इस तरह का बड़ा सा बेड लगाने के बाद भी ये दोनों तरफ, इस तरफ भी और दूसरी तरफ, दोनों तरफ आपको मूवमेंट के लिए स्पेस मिल जाता है। इसका जो बैक वॉल है वो देखिए कितना खूबसूरत बनाया गया है। कुशनिंग के साथ साथ हम लोग ने ये डिज़ाइन भी यहाँ पे दिया है जो आपके बेडरूम को बहुत ही खूबसूरत बना रहा है। थोड़ा पीछे जाके गौतम दिखाइए, जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है वो दिखाइए। इस तरह का जो फॉल सीलिंग की डिज़ाइन है जिसमें कॉब लाइट, LED लाइट्स, प्रोफाइल लाइट यूज़ की गई है, जो इस बेडरूम की खूबसूरती को बढ़ा रहा है। मैं चाहूँगा एक बार आप यहाँ सामने जो AC की वायरिंग करके दे रहे हैं वो भी दिखाइए। स्प्लिट AC की वायरिंग करके हम लोग दे रहे हैं, आपको अपना इंडोर और आउटडोर लगाना है। अब बात कर लेते हैं ड्रॉर्स की। देखिए ड्रॉर्स इसके अंदर हम लोग ने दिया है, इनफैक्ट ये पूरा आपको वार्डरोब मिलता है जो आपके स्टोरेज के काम में आएगा। यहाँ इसके अंदर इस तरह के ड्रॉर्स आपको मिल जाते हैं और अंदर में माइका यूज़ किया गया है। स्टेनलेस स्टील की यहाँ पे जो रॉड है वो भी हम लगा के दे रहे हैं ताकि आप अपना कपड़ा हैंग कर सकें, और इस तरफ भी आपको स्पेस मिल जाता है। तो दोनों तरफ इस तरह के आपको स्पेस मिलते हैं और इसके अंदर दो आपको ड्रॉर्स भी मिल जाता है। अब जो अटैच वॉशरूम है इसके साथ वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ एक बार दिखाइए, इसमें जितनी भी सैनिटरी फिटिंग है वो हम लोग करके दे रहे हैं। एंटी स्किड टाइल्स की फ्लोरिंग मिलती है, सीट लगा के दे रहे हैं, वॉश बेसिन है इसके अंदर। बाथिंग के लिए हम लोग ने डाइवर्टर लगाया है हॉट एंड कोल्ड वाटर के लिए, और इसमें शावर भी आपको मिल जाता है। तो सिर्फ 1 लाख देकर जो आप 2 BHK का फ्लैट ले सकते हैं उसकी पूरी आपने डिटेल वीडियो देखी है। बहुत ही खूबसूरत फ्लैट स्पेशली मुझे लग रहा है, क्योंकि पूरे दिल्ली में, पूरे उत्तम नगर में 1 लाख देने के बाद इस तरह का 2 BHK फ्लैट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, और कहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ सानवी रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड पे। तो लिमिटेड फ्लैट है, देरी बिल्कुल मत कीजिएगा, फटाफट हमारे प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स को कॉल कर लीजिए, इस फ्लैट को विजिट कीजिए। हमारे प्रॉपर्टी जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको इसके विजिट करवाएंगे। तो सर एंड मैम दीजिए मुझे इजाज़त, हम आपसे मिलेंगे अपने एक नए फ्लैट में नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, ऑफ कोर्स आप ही सानवी रियल एस्टेट हैं और आप ही से सानवी रियल एस्टेट है। थैंक यू।